मुझे लगता है कि उनके लिए 22 जनवरी 2020 एक स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया मनाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही गंदा अपराध होता है रेप, किसी भी महिला के साथ हो तो मुझे नहीं लगता है कि उससे उसके लिए, जैसे हमने हमेशा ही से मांग करी कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि बधाई के पात्र है और मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। बहुत बड़ी जीत है ये, और मेरा उनकी माँ को नमन है कि इतने दुर्गम परिस्थितियों में भी इस तरीके के जो एक आदमी के साथ रोज़ न्यायालय जाना, और जितना उन्होंने सहा है, चाहे वो अपनी बेटी का खो देने का गम हो, चाहे न्यायालय की एक प्रक्रिया हो, तो मुझे लगता है कि उस माँ को मेरा बहुत नमन है और उन पिता को मेरा बहुत नमन है कि जो अपनी बच्ची के मरने के बाद भी उसके साथ रहे, और जो है उन्होंने इतना फाइट किया। और आने वाली, मैं तो अपील करना चाहती हूँ आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो है इस पे कड़ा कानून बनाया जाए। अपने एमपी से मैं देश के हर नागरिक की तरफ से एक अपील करती हूँ कि कड़ा कानून बनाया जाए, इस पे फांसी ही दें सबको, जो और भी विक्टिम्स हैं उनके साथ भी न्याय हो, क्योंकि अगर जस्टिस डिले होगी तो जस्टिस जो है मिलेगी नहीं, तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है।